सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कहीं कैप्चा फिल कर रहे हो किसी वेबसाइट पे किसी एप्लीकेशन का, लेकिन वहाँ पर अगर वो इनवैलिड बता रहा है बार बार, अगर आप सही भी डालते हो कैप्चा कोड लेकिन फिर भी वो इनवैलिड बताता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देख रहा है, सबसे पहले जो आप कैप्चा कोड भरने जा रहे हो, क्या वो सही आप कैप्चा कोड भर रहे हो उसमें, आप पहले एक बार देख लेना कि जो स्मॉल लेटर है और जो मतलब जो स्मॉल और कैपिटल लेटर होते हैं उनको आपको वैसे ही डालना है, जो नंबर वाले होते हैं वो नंबर में डालना है, आपको ओ और जीरो में कन्फ्यूज नहीं होना है, और छोटा एस और बड़ा एस जो होता है इसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस तरीके के जो लेटर होते हैं इनमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जीरो को ओ समझ जाते हैं या फिर ओ को जीरो समझ जाते हैं, और एस को छोटा या बड़ा वो नहीं समझ पाते हैं कि वो स्मॉल वाला सी है ऐसे है या फिर बड़ा वाला है। तो इस तरीके से कुछ लेटर होते हैं जिसमें कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और जैसे आप सही से डालते हो उसके बाद भी अगर इनवैलिड बताता है, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर देखोगे एक कैप्चा रिफ्रेश करने का एक वहाँ पर बटन दिया जाता है, अगर आपको कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद फिर भी वैसी दिक्कत बनी रहती है, तब आपको क्या करना है, उस पेज को ही रिफ्रेश कर लेना है। मान लीजिए अगर एप्लीकेशन के अंदर आप कैप्चा कोड भर रहे हो, तो उसको आपको बैक करके दोबारा से ओपन करना है, मिनिमाइज वगैरह करके इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करके उसके बाद एक बार उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। और वेबसाइट पर अगर आप हो तो उस वेबसाइट का जो पेज है जिस पर आप हो, जिस वेबसाइट पर हो उसका पूरा रिफ्रेश कर लेना, उसका पेज ही, जब आप पेज पूरा रिफ्रेश कर लोगे तो स्टार्टिंग से आएगा, उसके बाद नया कैप्चा कोड आपको मिलेगा, उसको आपको डालना है, उसके बाद फिल करना है। अगर फिर भी इनवैलिड बताता है तब हो सकता है कि उस वेबसाइट का जो कैप्चा कोड है उसमें दिक्कत हो वेबसाइट में, या फिर अगर आप एप्लीकेशन में कर रहे हो तो हो सकता है ये एप्लीकेशन की दिक्कत हो। लेकिन उसके पहले आपको ये देख रहा है उसमें कोई टाइमर मतलब होता है, आप जब कैप्चा कोड डालते हो उसका भी एक लिमिट होता है कि कितने टाइम के अंदर डालना है, जब आप ज़्यादा टाइम कर देते हो तो वो कैप्चा कोड जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको रिफ्रेश करना होता है, दूसरा कैप्चा आपको फिल करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप कोई फॉर्म भरते हो वेबसाइट पर, तो वहाँ पर पहले डिटेल भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे नाम व एड्रेस वगैरह, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें भरी जाती है फॉर्म में, ऑनलाइन अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हो, और ऐसे में जब आप सबसे लास्ट में, क्योंकि कैप्चा कोड जो है सबसे लास्ट में ही मिलता है, जब आप कैप्चा कोड डालते हो जब तक उसका समय निकल जाता है, तो आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है कैप्चा कोड, उसके बाद डालना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका कैप्चा कोड जो इनवैलिड नहीं बताएगा, अगर फिर भी इनवैलिड बताता है तो उस वेबसाइट या फिर उस एप्लीकेशन की दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।